हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है TCS की तरफ से एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। TCS होता क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये इंडिया का एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है जिसके अंदर आपकी वैकेंसी आई है। पद का नाम पहले ही बता दिया है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी जिसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए रहेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है, इसके लिए कोई आपका टेक्निकल जो भी होता है ना कि डिप्लोमा चाहिए या फिर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग का, ये सब कुछ नहीं चाहिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट रहेगी। इसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपसे कोई फी नहीं लिया जाता है। अब बात करी जाए कि आयु की यहाँ पर क्या सीमा रहेगी, एज लिमिट क्या है, तो 18 वर्ष से 28 वर्ष, विच मीन्स कि 18 to 28 ईयर्स के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ ना, तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है तो इसके लिए जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है, साथ ही साथ जो अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे, इसमें कोई परसेंटेज का भी बाउंड नहीं है कि इतना परसेंटेज कम से कम मिनिमम होना चाहिए। बस आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है या फिर अपीयरिंग कैंडिडेट हो, यू कैन अप्लाई। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने की अंतिम तिथि क्या है। फ्रेंड्स, ये फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन हो रहा है, इसको अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 26 अप्रैल, यानी कि 26 अप्रैल के पहले पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। साथ ही साथ एग्जाम का डेट है ना वो भी बता दिया गया है। एग्जाम का जो तिथि है ना 4 जून 2024 रहने वाला है, मतलब कि 4 जून 2024 को एकदम माइंड में सेट कर लेना है एग्जाम का डेट है। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं बताते चलूँ फ्रेंड्स कि ये आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, बट गवर्नमेंट जॉब के बराबर ही आप इसको मान सकते हैं। इसमें सैलरी अच्छी होती है, पर्क्स अच्छे होते हैं, आपको सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलता है। TCS एक वेल रिप्यूटेड कंपनी है इंडिया की जिसमें परमानेंट जॉब आपकी होती है, समझो गवर्नमेंट जॉब की तरह ही होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसको अप्लाई करना है आपको तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। आपका सिलेक्शन 2 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। पहले स्टेज पर होता है ऑनलाइन CBT, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, फिर इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा एट अ टाइम, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले स्टेज पर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए, 50 प्रश्न 50 नंबर के लिए, टाइम रहता है 50 मिनट्स का, और निगेटिव मार्किंग का ना कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आती है तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, और ये नोटिफिकेशन मैं जो आपको लिंक शेयर करूँगी टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे जाके देखोगे, उसमें सारा आपको एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब बताएगा। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर के क्वेश्चन होंगे, 3 सब्जेक्ट के, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ और रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर सेंड होगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब दी जा रही है। सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट की यहाँ पर वैकेंसी निकली है, तो डिपार्टमेंट रहेगा BPS, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। अब इसमें आपका रोल क्या रहेगा, किस किस तरह के काम करने होंगे, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के होंगे, ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी होगा, प्री सेल्स रहेगा, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन साइंस का वर्क हो सकता है, या फिर टेलीकॉम रहेगा। तो ये आपका जॉब रोल है। और फ्रेंड्स, अब आप जब ज्वाइन करोगे तो सैलरी आपको क्या मिलेगी, आइए मैं बता देती हूँ। सैलरी आपको 15,000 से 25,000, ये आपको अलग अलग स्टेट के लिए जो अलाउंस वगैरह मिलते हैं ना उसके आधार पे मैंने बताया। बाद में सैलरी अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती है, इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है।
अब सबसे अच्छी बात ये बता रही हूँ जॉब लोकेशन के लिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है ना कि आप अपने प्रीफरेंस से जॉब लोकेशन चूज कर सकते हो। आप जहाँ भी जिस सिटी में जॉब करना चाहते हो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने होम सिटी में ही रह के आप जॉब करना चाहते हो तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर इस ढंग से भी आपका कुछ जॉब हो जाता है तो आगे आपको पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और इस पोस्ट के बारे में तो आप सारी डिटेल समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अब भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके आप यहाँ पर पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइएगा, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचा सकूँ। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।